हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद पीएन सर क्लास 12, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम अकाउंट, इन दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उस लिंक को यूज़ करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये दिसंबर महीना चल रहा है, हमारा क्लास 12 का स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन मई 2021 में रहेगा। तो हमारे पास अभी दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक 5 मंथ्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन 5 मंथ्स का स्ट्रेटेजी प्लान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फॉर एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। ओके, लुक हियर, मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है। वैसे तो मैं मैथमेटिक्स के लिए प्लान बता रहा हूँ, लेकिन यही प्लान आप आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट के लिए भी कॉपी कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट के लिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अभी दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक हमारे पास 5 मंथ्स है। डेली प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी प्लान के ऊपर हमें वर्कआउट करना है, अच्छी तरह से इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। पहला पॉइंट देखिए क्या है, डेली 3 आवर्स स्टडी। देखिए, हमारा स्टडी डेली 3 आवर्स अब रहना ही चाहिए, 5 मंथ्स हमारे पास है। इन 3 आवर्स में 1.5 आवर मैथमेटिक्स पार्ट 1 के लिए और 1.5 आवर मैथमेटिक्स पार्ट 2 के लिए। आपका जो वीकली टेस्ट या फिर टेस्ट, आप टेस्ट के ऊपर फोकस करते हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, तो ये भी इस 3 आवर्स में आएगा। तो ये 3 आवर्स एनी हाउ हमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए अब देने ही है, उसमें से 1.5 आवर मैथमेटिक्स पार्ट 1 के लिए देना है और 1.5 आवर मैथमेटिक्स पार्ट 2 के लिए देना है। बैलेंस करना है दोनों को भी, क्योंकि दोनों पार्ट्स को इक्वल मार्क्स है रिटन एग्जामिनेशन में, थ्योरी एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का पार्ट 1, 40 मार्क्स का पार्ट 2, ऐसा 80 मार्क्स का हमारा रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स के लिए हमें बैलेंस करके चलना है, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं करना है, पार्ट 1 को कम टाइम, पार्ट 2 को ज़्यादा टाइम, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारा जो स्कोर आएगा मैथमेटिक्स का, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के आएगा। आपको पता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न में 50% क्वेश्चन पार्ट 1 के ऊपर और 50% क्वेश्चन पार्ट 2 के ऊपर रहेंगे, ठीक है। लुक हियर, सेकंड पॉइंट जो है ये है, रिवाइज ईच चैप्टर आफ्टर 15 डेज, मतलब, और यहाँ पे मैंने एटलीस्ट वर्ड दिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मैट्रिसेस चैप्टर हमने अभी प्रैक्टिस किया, उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, उसको अच्छी तरह से रीड किया है, लेकिन 2 महीने मैट्रिसेस चैप्टर की तरफ हमने देखा ही नहीं। हर एक चैप्टर को कम से कम 15 दिन में हमें हाथ लगाना ही है, उसे टच करना ही है, उसे रिवाइज करना ही है। और देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ आपको पढ़ना है, वैसे तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ना कम और लिखना ज़्यादा, हमें ये हैबिट हमें लगानी पड़ेगी, ये हैबिट हमें लेनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सिर्फ रीड करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको लिख के ही देखना है, आपको सॉल्व करके ही देखना है खुद, ठीक है। रीडिंग मैथमेटिक्स के लिए लागू नहीं होता है, हमें हर एक क्वेश्चन, जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमारे हाथ में पेन और ब्लैंक पेज रहना चाहिए, उसके ऊपर लिखना ही हमें। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कमजोरी हमें नहीं रखनी है, कमतरता किसी भी प्रकार की नहीं रखनी है, अच्छे दिल से इसका प्रिपरेशन हमें यहाँ पे करना है। ओके, लुक हियर, रिवाइज ईच चैप्टर आफ्टर एटलीस्ट 15 डेज, कम से कम 15 दिनों में हमने उस चैप्टर को टच करना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है, सॉल्व अ टेस्ट ऑन ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमें सॉल्व करना ही है। देखिए ये सभी, अगर इस तरह से आप ठीक तरह से ये सभी पॉइंट फॉलो करते हो तो यही पॉइंट आपको MST CET 2021 का स्कोर भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए हम अगर सोचते हैं तो MST CET 2021 में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, इनमें से लगभग 30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो एज इट इज टेक्स्ट बुक में, सिर्फ वहां पे नंबर्स चेंज होंगे। तो इसलिए टेक्स्ट बुक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MST CET 2021, और 12th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस हमारे पास अभी है, उस डिलेटेड, मतलब 25% सिलेबस डिलेट होके जो भी सिलेबस बचा है, उस सिलेबस को हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यही आपको आउटपुट देगा MST CET 2021 में। सॉल्व अ टेस्ट ऑन ईच चैप्टर, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है
सॉल्व करने के लिए, तो आप मार्केट से कुछ बुक परचेस कर सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। मैंने हर मंथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इन दोनों को साइमल्टेनियस आपके लिए मैं कंडक्ट करते जा रहा हूँ। तो मेरा अभी इस दिसंबर में 9th दिसंबर से ये महीने का प्लान शुरू होता है, ये महीने का स्केड्यूल शुरू होता है। आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब 9th दिसंबर को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर पे एमसीक्यू टेस्ट है, और 10th दिसंबर को इसी चैप्टर पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है 20 मार्क्स का। एमसीक्यू टेस्ट 40 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 20 मार्क्स का है। इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप अवश्य ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैंने हर एक मंथ के लिए वीडियो बनाया है कि हमारा पूरे मंथ का प्लान क्या रहेगा, एमसीक्यू टेस्ट का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, उनको अटेम्प्ट कीजिए, ये आपको बेनिफिशियल रहेगा फॉर एमएसटी सीईटी 2021 और बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए, ठीक है। नाउ लुक हियर, सेपरेट नोटबुक जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, मान के चलिए 80 मार्क्स के, ये जो 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर है, आउट ऑफ दिस 80 मार्क्स, लुक हियर, मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकंड दोनों मिला के 16 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। 16 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 16 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में आनी है। तो एक काम कीजिए, उसके लिए एक छोटा सा नोटबुक कीजिए, उस नोटबुक में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरे लिख लीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में एक्यूट एंगल फॉर्मूला है टैन थीटा का, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स टू ज्योमेट्री इसमें थ्योरम्स हैं, या फिर वेक्टर्स इस चैप्टर में थ्योरम्स हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक थ्योरम है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में चार थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के 8 प्रॉपर्टीज है, उसमें से 7 और 8 नंबर का प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंटली आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, साथ में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से कुछ फॉर्मूले हैं। तो इन सभी का, इसके ऊपर भी हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर रहेगा, तो इन सभी के लिए आप एक नोटबुक सेपरेट कीजिए। उस नोटबुक में मैथ्स पार्ट वन मैथ्स पार्ट टू दोनों पार्ट को मिला के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नोटबुक में लिख लीजिए और फ्रिक्वेंटली उसे रिवाइज करते जाइए, क्योंकि ये 16 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये 16 मार्क्स आपको मिलना ही है एग्जामिनेशन में। ओके, लुक एट पीवाईक्यू, क्या है पीवाईक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने देखने ही, हमारे पास रखने ही है। मैट्रा से चैप्टर हमने प्रिपेयर किया, उसका रिवीजन हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मैट्रा से चैप्टर पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका भी कलेक्शन हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, फॉर्मेट वही रहता है, सिर्फ नंबर चेंज होते हैं। उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आएगा, जैसे आपको यहां पे पूछा गया था इस साल मैट्रा से चैप्टर में बहुत सारा सिलेबस आपका कम हुआ है, तो डिलेटेड सिलेबस छोड़ के अगर आप देखते हो तो ऐसा हर एक चैप्टर में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर लीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.2 दोनों एक्सरसाइज है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, मतलब जो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती उन लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस का, उसको डिलीट मारा है इस साल के लिए, तो एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.2 दोनों एक्सरसाइज करने हैं। ऐसा ही हर एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टोटल 4 एक्सरसाइज है, उसमें से 2 एक्सरसाइज आपके कम हुए हैं, सिर्फ 2 का ही आपको प्रिपरेशन करना है। डिलेटेड सिलेबस भी हमें ध्यान में लेना है। देखिए, मैं जितने भी टेस्ट आपके कंडक्ट कर रहा हूं, उन हर टेस्ट के दिन आपको, जिस दिन जो टेस्ट रहेगा उस टेस्ट के दिन, उस टेस्ट के डे को, सेम डे को आपको सवेरे 7 बजे उस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर मिलेगा। उस वन शॉट लेक्चर में मैंने, देखिए, वहां पे जो भी सिलेबस डिलेटेड हुआ है उसे भी आपके सामने रखा है। तो उस वन शॉट लेक्चर को भी अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि एक ही लेक्चर में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर द रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, फिर लुक एट पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू मेरे पास रहने चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं भी बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं, जैसे अभी 1 दिसंबर 2020 को जो आपका मैथमेटिक्स पार्ट वन का री एग्जामिनेशन था, मैथमेटिक्स का जो टेस्ट हुआ था पार्ट वन और पार्ट टू का, मतलब मैथ्स का पेपर स्टेट बोर्ड का, तो उसको मैंने पूरा सॉल्व किया है, उसके भी स्पेशल वीडियो लेक्चर है, उसे भी इस चैनल पे आप सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। टाइटल है HSC 2020 री एग्जाम पेपर, ठीक है। देखिए उसे, मैंने वहां पे हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का अच्छी तरह से मार्किंग स्कीम भी दिया है आपको, सॉल्यूशन में किस स्टेप को कितने मार्क्स रहेंगे। तो हम ग्रेजुअली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी यहां पे सॉल्व कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, वीडियो लेक्चर थ्रो कंसिस्टेंसी, हमारे काम में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, नहीं तो सर ने कहा है डेली 3 आवर स्टडी प्लान, तो आज 3 घंटे किया,
बीच में 4 दिन कुछ भी नहीं किया, 5वें दिन और 6 घंटे कर लिया, 7 घंटे कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, 3 घंटे से कम भी नहीं करनी है, और 1 दिन भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है कि एक आधे दिन आपका पॉसिबल नहीं हुआ तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आज नहीं किया और बीच में 4 दिन, आज किया बीच में 4 दिन नहीं किया, 5वें दिन और किया, फिर बीच में और 6 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। हमारे काम में हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, उसके ऊपर ध्यान देना है। फोकस ऑन चैप्टर ऑफ हायर मार्क्स। देखिए, आपको जितने भी चैप्टर्स आप एग्जामिनेशन में है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के, तो हर एक चैप्टर का बोर्ड का मार्क्स का वेटेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उस चैप्टर पे। तो देखिए, ये टेबल आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन चैप्टर ऑफ हायर मार्क्स, और उसमें से जो हायर मार्क्स के चैप्टर है, जैसे पेपर फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है, तो उसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी बहुत सारा पार्ट इस साल के लिए डिलीट हुआ है, बहुत कम पार्ट आपके लिए बचा है, और लेकिन पेपर उतने ही मार्क्स का, 80 मार्क्स का ही पेपर है। तो देखिए, ये तो बहुत फायदेमंद बात है हमारे लिए, सिलेबस कम है और मार्क्स का वेटेज उतना ही है। ओके, सॉल्व फुल लेंथ पेपर, देखिए ये, लेकिन ये कब करेंगे हम? अप्रैल मंथ, इन द मंथ ऑफ अप्रैल हम आपके लिए कम से कम 10 फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए रखेंगे, उस प्रकार के टेस्ट आपके लिए हम कंडक्ट करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है क्लास 12 का, उसे ज्वाइन करना है, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। लेटेस्ट अपडेट एजुकेशनल वीडियोस का लिंक भी आपको वहीं पे मिलेगा। ओके, तो हमें फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने, देखिए ये जो 10 क्वेश्चन पेपर्स हम कंडक्ट करेंगे, इन 10 क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन भी हम आपको देंगे, मॉडल आंसर पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, स्टेप वाइज मार्क्स क्या रहेंगे ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस यूर डाउट्स विद टीचर्स, आपके टीचर के साथ आपके डाउट जो है उन्हें आपको डिस्कस करना ही है। अगर आपके टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे भी, मेरा वीडियो लेक्चर देखे बाद, जिस वीडियो लेक्चर में आपको डाउट है, जिस टॉपिक पे आपको डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप आपके क्वेश्चन चाहे तो उसका फोटोकॉपी आप मुझे भेज सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ आपसे कॉन्टैक्ट करना, नहीं हुआ तो मैं, देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वहाँ पे आंसर दूंगा उसका, ठीक तरह से आपको हर एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपके टीचर के साथ भी डिस्कस कीजिए, क्योंकि टीचर भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट को अच्छा स्कोर आ जाए एग्जामिनेशन में। ये हर एक टीचर आपके चाहते हैं। ऑल टीचर्स आर रिस्पेक्टेड पर्सन्स, दे आर वरीड अबाउट यू, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत वरीड है, देखिए। और हर कोई टीचर यही चाहता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छी तरह से प्रोग्रेस करे, उसे अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर पाए। तो टीचर के साथ डाउट डिस्कस कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ भी आप डाउट डिस्कस कर सकते हो, आप मेरे साथ भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप कमेंट्स में आपके डाउट्स लिखिए, मैं निश्चित रूप से हर एक डाउट को सॉल्व करूंगा। ओके, फिर इसके बाद देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड, फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस रूम में पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, टेबल पे अगर पढ़ाई करते हो, टेबल पे ही पढ़ाई करनी ही चाहिए, ऐसा लेट के पढ़ाई मत करो। टेबल के ऊपर जहां आप बैठते हो तो उसी दीवार के ऊपर जहां आपका टेबल है, टेबल के ऊपर फॉर्मूले पेज पे लिख के रखिए, या फिर जिस दीवार की तरफ आपके स्टडी रूम में, जिस दीवार की तरफ आपका ध्यान जाता है, उस दीवार के ऊपर भी हमारे पूरे फॉर्मूले, मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 के पूरे फॉर्मूले लिख के वहाँ पे रखिए। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, बहुत सारे जो हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे रहने चाहिए। जैसे मैट्रिसेस चैप्टर में फॉर्मूला है इनवर्स फाइंड करने का, ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब फॉर्मूले का लिस्ट बनाओ, ये सब फॉर्मूले अपने साथ रखो, दीवार पे उसे चिपकाओ। हमारा जब भी ध्यान उसकी तरफ जाएगा तो हमें सूझेगा, हमें दिखेगा, ये बातें हमारे सामने रहनी चाहिए। हम भी एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाएंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले फॉर मैथ्स फर्स्ट और मैथ सेकंड के लिए, ग्रेजुअली हम ये बनाते आ रहे हैं। हमने मैथमेटिक्स पार्ट वन आपका पूरा कंप्लीट किया है, हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है इसी चैनल पे। मैथमेटिक्स पार्ट टू में, मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड में हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन चल रहा है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन और लास्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारा साइमल्टेनियस चल रहा है। तो देखिए ये सभी मैं आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कवर करते आ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है, यही वीडियो देखते समय अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
एक आपसे लाइक बनता है। इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी अब क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चों को इस वीडियो का अच्छी तरह से फायदा होना चाहिए। आपके जो भी डाउट्स है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस प्लान के ऊपर आप फोकस करना चाहते हो इस प्लान में, और आपका कुछ खुद का सजेशन है तो प्लीज मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इस 10 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके ऊपर अच्छी तरह से काम कीजिए, अच्छी तरह से इस प्लान को वर्कआउट कीजिए। निश्चित रूप से आपको आने वाले 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में और एमएसटी सीईटी 2021 एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा आपका स्कोर रहेगा। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी की सेहत अच्छी रहे, आपके फैमिली के हर एक मेंबर की सेहत अच्छी रहे, इसलिए ईश्वर के प्रति मेरी मनोकामना रहेगी, ईश्वर के प्रति मेरी ये तहे दिल से प्रार्थना रहेगी, और मेरी आप सभी से और एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द वीडियो देखे बाद इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।